इस मूवी में एक लड़का अपनी ही स्टेप मॉम के साथ गेम खेलते हुए उनकी गुफा में अपना औजार डाल देता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं साइमन अपनी गर्लफ्रेंड एलिसा के साथ लिव इन में रहता है और उसने अभी एलिसा को अपने औजार पर बिठा रखा है। एलिसा भी बहुत ही आराम से साइमन के घोड़े की सवारी कर रही थी, लेकिन उन्हें इस काम को बीच में ही रोकना पड़ता है क्योंकि साइमन को एलिसा के साथ अपने घर जाना था। ये दोनों आर्टिस्ट हैं और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाते हैं। कार में जाते हुए भी साइमन एक पेंटिंग्स बनाता है जिसमें एलिसा अपने हाथ से साइमन के घोड़े को हिला रही थी। फिर वो उसे ये पेंटिंग दिखाता है और एलिसा हंसने लगती है। जब ये लोग घर पर पहुंचते हैं तब हम साइमन के फादर कार्ल को देखते हैं जिनका आज 60वां बर्थडे था और इसी के लिए ये दोनों आज आए हुए थे। इसके बाद ये सब पार्टी करते हैं। इसके बाद साइमन देखता है एलिसा उसकी मॉम एग्नेस से ज़्यादा घुल मिल रही है। तभी वो शैलजा को देखता है जो उसकी स्टेप मॉम थी और कभी वो उसके साथ मज़े लेता था। फिर ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। साइमन ज़्यादा टाइम शैलजा के साथ बिता रहा था, ये बात एग्नेस समझ जाती है और वो साइमन से नाराज़गी जताती है। साइमन भी इस बात को समझ जाता है। इसके बाद ये लोग केक काटते हैं। साइमन एलिसा के पास जाकर उसे हक कर रहा था, तभी वहाँ पर एग्नेस सबके लिए स्नैक्स लेने के लिए आती है। तभी अचानक से एग्नेस को दौरा पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर सबसे ज़्यादा दुख कार्ल को होता है। कार्ल एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने की वजह से वो सब कुछ संभाल लेता है। इस इंसिडेंट के बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है। तभी एलिसा और साइमन भी शहर लौटने लगते हैं। जब ये लोग अपने अपार्टमेंट में आते हैं तब साइमन थोड़ा दुखी होता है, इसलिए एलिसा रात भर उसके घोड़े पर बैठकर उसे मजा देती है। अगली सुबह वहाँ पर उसकी मॉम एग्नेस आती है, वो अब ठीक थी और वो उसे बताती है वो कार्ल के साथ वीकेंड पर जा रही है और उसे अपने फादर की जगह हॉस्पिटल संभालने के लिए आना पड़ेगा। ये सब सुनकर साइमन भी समझ जाता है ऐसा करने पर एग्नेस और कार्ल काफ़ी करीब आ जाएंगे। इसके बाद वो अकेला अपने घर पर आता है क्योंकि एलिसा काफ़ी बिजी होती है। जब वो घर पर आ जाता है तब उसके फादर उसे सारा काम समझा देते हैं और अपने वीकेंड के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सब देखकर शैलजा ज़्यादा खुश नहीं थी। एक दिन साइमन के पास शैलजा आती है और उसके प्रोफेशन में दिलचस्पी लेने लगती है, लेकिन इसके बाद उसे शैलजा की बातों से थोड़ा हर्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद शैलजा किचन में कॉफ़ी लेने के लिए आती है। साइमन अपनी कॉफ़ी बेसिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। रात में जब वो पेंटिंग्स बना रहा था लेकिन माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से वो पेंटिंग्स नहीं बना पाता। अगली सुबह वो देखता है शैलजा कार्ल से फ़ोन पर बहुत गुस्से में बात कर रही है। इसके बाद कार्ल का फ़ोन साइमन के पास आता है और उसे पता चलता है शैलजा इस बात से गुस्सा है क्योंकि कार्ल एग्नेस के साथ न्यूड बीच पर गया है। यहाँ पर हमें नाम से ही पता चलता है इस बीच पर लोग बिना कपड़ों के जाते हैं। कार्ल साइमन से कहता है शैलजा को ज़्यादा परेशान मत करना। इसके बाद साइमन शैलजा से माफ़ी मांगने के लिए उसके कैबिन में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक पेशेंट से होती है जिसकी वजह से उस टाइम वो शैलजा से माफ़ी नहीं मांग पाता। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो शैलजा के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है। अपनी इस लाइफ से परेशान होकर शैलजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और साइमन के सामने रोने लगती है। साइमन भी शैलजा को संभालता है, लेकिन उस टाइम शैलजा साइमन को किस कर लेती है। ज़्यादा कंट्रोल ना खोते हुए साइमन खुद को संभाल लेता है, लेकिन उस मोमेंट के बाद साइमन हमेशा शैलजा के ख्यालों में ही खोया रहता था, इसलिए एलिसा के साथ होने पर भी वो शैलजा के बारे में सोच रहा था। अगले दिन साइमन शैलजा से बात करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन शैलजा को उसके अंकल के साथ किसी काम से बाहर जाना था। उनके जाने के बाद उसने शैलजा की गुफा में खुदाई करने का मन बना लिया था और इस चक्कर में उसे ये भी पता नहीं चलता एलिसा अपने कलीग के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगी है और वो उसके साथ पार्टी भी करती है। इसके अगले दिन शैलजा पेशेंट की फाइल निकालने के लिए आती है, तब साइमन उसके डिग्गी को देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। कुछ टाइम के बाद जब वहाँ पर कोई नहीं था तब साइमन शैलजा के कैबिन में जाकर उसे डीपली किस करने लगता है और उस किस में ही शैलजा की गुफा से पानी आने लगता है। फिर शैलजा जल्दी से साइमन को अपने रूम में ले आती है और अपने कपड़े उतार कर सबसे पहले गुफा का नमकीन पानी उसे टेस्ट कराती है। इसके बाद साइमन अपना औजार उसकी गुफा में डालकर जबरदस्त खुदाई करता है। खुदाई के बाद साइमन और शैलजा के बीच का रिलेशन अच्छा हो गया था और साइमन के चेहरे पर स्माइल रहने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने एलिसा के साथ गलत किया है और वो जब उसके साथ क्लब में पार्टी कर रहा था तब वो एलिसा को बता देता है कि उसने शैलजा की गुफा में अपना औजार डालकर खुदाई की है। ये सब सुनने के बाद एलिसा का भरोसा साइमन से उठ जाता है और वो क्लब से बाहर चली जाती है। साइमन ये सब बताने के बाद भी
शैलजा के पास आता है और रूम में ले जाकर उसे किस करता है। फिर उसके बड़े बड़े आमों को बाहर निकालकर उन्हें चूसने लगता है। काम खत्म करने के बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और रेड वाइन का मजा लेते हैं। इस रात वो शैलजा के साथ उसी के बेड पर सोता है। अगली सुबह जब वो उठता है तब वो देखता है उसके डैड और मॉम वैकेशन से वापस लौट आए हैं। तब वो रूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। कॉल को ये सब देखकर साइमन पर शक नहीं होता, क्योंकि शैलजा ने कॉल को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि साइमन अपने ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा है, इसलिए वो मेरे पास आया था। इसके बाद हम देखते हैं साइमन ये सब करने के बाद काफी डिस्टर्ब रहने लगता है और वो सीधे अपनी मॉम के पास आ जाता है, जहाँ पर एग्नेस साइमन को समझाती है तुम्हें एलिसा के साथ रिलेशन बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए साइमन एलिसा के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा उसकी बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से साइमन को पैनिक अटैक आने लगते हैं। जब वो घर पर आता है तब वो अपनी पेंटिंग को देखने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से वही गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां पर कॉल उसे आकर समझाता है अगर एलिसा उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। साइमन अपने डैड की बात मान लेता है और फिर वो अपने डैड की बुक लॉन्च पर आता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम एग्नेस से मिलता है जो उसे देखकर काफी खुश होती है। कुछ दिनों के बाद साइमन अपने घर पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है और शैलजा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है ये बच्चा साइमन का ही होगा, क्योंकि कॉल की उम्र देखने से ही पता चलता है उसकी बंदूक में गोली नहीं बची होगी, लेकिन पूरी फैमिली यही समझ रही थी ये बच्चा कॉल का ही है। इसके बाद सभी फैमिली फोटो ले रहे थे, लेकिन उसमें एग्नेस और साइमन नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी पता था वो इस फैमिली का हिस्सा ना ही बने तभी अच्छा है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।